नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। कानपुर पुराना बिथुर, आज दिनांक 15 जनवरी 2024 को संवाददाता अभय अस्थाना की खास रिपोर्ट। बिथुर थाना क्षेत्र आने वाले अंतर्गत पुराने विट में बना साधन धाम सिद्धा आश्रम के पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मचारी महेश आनंद महाराज जी ने बताया कि घंटाघर भूसा टोली का निवासी अभिषेक कृष्ण शास्त्री ने अपने स्वर्गीय माता पिता को भागवत सुनने के लिए महाराज जैसे थोड़ी जगह मांगी थी। 2 दिसंबर 2023 को 7 दिन के लिए आश्रम की तीव्रता देखते हुए उसके मन में आश्रम को कब्जा करने का मन बनाया। फिर अपनी गाड़ी पर फर्जी पीठाधीश्वर लिखकर भोले भाले गांव वालों से उगाही करने लगा। स्वामी महेशानंद वेद विद्यापीठ ऋषि आश्रम साधन धाम ध्रुव नगर बिथुर में एक भूमाफिया अभिषेक शास्त्री, जो कि भगवताचार्य का चोला पहनकर भोले भाले संतों को मायाजाल में फंसाकर औरंगजेब की तरह उस पीठ का पीठाधीश्वर की अपनी गाड़ी में प्लेट लगाकर जनता को आश्रम के निर्माण के नाम से ठगाई करता। जब इसकी जालसाजी का पता पंडित अशोक अग्निहोत्री, जो कि उपरोक्त आश्रम के व्यवस्थापक है, विरोध किया, पुलिस कार्यवाही की, क्योंकि उसने एक और भी बड़ा अपराध किया, 3 महात्माओं की समाधियां भी तोड़ी। इसके बाद में बिथुर थाना में लिखित दिया कि अब मैं साधन धाम आश्रम में कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद भी उपरोक्त आश्रम के इर्द गिर्द भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर अशोक अग्निहोत्री की छवि मान प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश कर रहा है। इसने कछियाना हुलागंज कानपुर में एक अखाड़े में भी कब्जा कर रखा है। मेरी कानपुर के शासन प्रशासन से मांग है, इस तरह धर्म ढोंगियों की जांच कराकर न्याय दिलाया जाए, साथ ही मेरे मान प्रतिष्ठा को जो भी हानि हुई है उसके लिए श्रीमान अभिषेक जी को पूर्णतया दंडित किया जाए। पैसे ही गरीब के पास तक पहुँच, पहला जो काम किया वो काम किया कि सभी के जनधन खाते खुलवाए, कि सभी के खाते खुल जाए। खाते खुलने के बाद जो एक भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प था, उस आधार पर गांव गरीब और शहरी अपने गरीब जो रहते हैं उनके लिए एक से एक योजनाएं भेजना शुरू किया, और उस आधार पर उन्होंने तय किया कि आने वाले समय में हमारे जो गरीब हैं उनके प्रत्येक व्यक्ति के सर पे हम पक्की छत देंगे, यानी कि कोई भी